गुड मॉर्निंग डॉक्टर, हमें ये केस आपके सामने रखना था सेमिनार में, बट वो रख नहीं पाए। बाद में एक फॉलो अप और आ गया तो मैंने सोचा कि ये थर्ड प्रोसेस है ना डायबिटीज को लेकर के, थोड़ा और क्लियर हो आपकी किस तरीके से आप हैंडलिंग करेंगे जब आपके पास केस आएंगे। होता क्या है कि जब चीजें समझने लगती हैं तो वो सिंप्लीफाइड होती दिखती है, और जब चीजें समझती नहीं है तो सिंप्लीफाइड चीजें भी कॉम्प्लिकेटेड लगती है। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ये कह रहा हूं, जो लैंग्वेज फादरों को थी कि पढ़ने में कठिन लगती थी, धीरे धीरे उसे करते रहने से वो सरल लगने लगी। बस इतनी सी बात है। अगर आपके अंदर भी यही जज्बा है कि उन्हें एक्सेस करते रहोगे, बट शर्त यह है कि उन्हें एक्सेस करने से पहले उन्हें एक्सेस करने का तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका इंटेंशन वॉल्यूशन डेवलप नहीं होता कि किस तरीके से उन्हें एक्सेस किया जाए, तब तक वो लिटरेचर आपके काम का नहीं होगा। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ये जो लोग 2-4-10 साल में प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कभी अपनी एनाटॉमी की बुक ग्रेज की या कभी फिजियोलॉजी की बुक उठा के देखें और उसे पढ़ें जैसे पहले पढ़ते थे, तो आप देखेंगे कि आपने को ऐसा फील होगा ये मैं जानता हूँ, और ये भी फील होगा कि हमारी समझ जो है पहले से बेहतर है अभी। जबकि अगर वर्ड टू वर्ड देखा जाए तो आपको कुछ भी याद नहीं है, मगर उस प्रोसेस को, उस मैकेनिज्म को, बॉडी में जो कुछ भी स्ट्रक्चरल है एंड जो भी फंक्शनल है, तो वो एक अलग एक लेवल पे आपको लेके जाएगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि अब आप समस्याओं को डायरेक्ट डील कर रहे, कॉम्प्लेक्स मशीन को डील कर रहे हो, तो कोई भी हिस्सा जो आपने कभी सिंसियरली पढ़ा नहीं या एग्जाम दे करके खत्म कर दिया, बट अगर आप डेली डीलिंग है उस मशीन की, जिस मशीन में पार्ट्स हैं, स्ट्रक्चर है, जिस मशीन की फंक्शनिंग है, तो आप डेफिनेटली जो पार्ट ज्यादा देख रहे होंगे उसकी समझ उतनी ही ज्यादा होगी। तो कहने का यह मतलब है कि डायबिटीज मेरा मेन स्ट्रीम रहा, बहुत समय तक लगातार मैं डायबिटीज देख रहा हूँ, ठीक होने की वजह से वो पेशेंट्स फ्रिक्वेंटली मिलते रहे, तो वो मेरा एक्सपीरियंस जो है ना वो अब मैं अगर थायराइड टेस्ट करो, सॉरी कोई थायराइड फंक्शन टेस्ट पढ़ो या थायराइड के डिसऑर्डर पढ़ो तो मेरी समझ डिफरेंट है टेस्ट बुक से। पेनक्रियाज के फंक्शन और उसके साथ क्या होता है, कैसे होता है, ये सब घटनाएं कैसे घटती होंगी शरीर में, जो फिजियोलॉजी एक नियर एक टेस्ट बुक थी आपके लिए, वो एक अलग तरीके अलग लेवल पे आपको लेके जाएगी। खैर, हम केस में आगे बढ़ते हैं। हमारी कोशिश है आपके सामने कि कोई चीज जब धीरे धीरे आप समझने लगते हैं तो कैसे सिंप्लीफाइड हो जाती है। जनरली क्या होता है, हम जब आपसे कुछ पूछते हैं तो आप प्रोसेस के थ्रू हमें बताते हैं, एंड डेफिनेटली जो हमने सिखाया उस पे टिके रहने की कोशिश करते हैं, बट वो शायद मैं बहुत बार महसूस किया हूँ कि आप वहां पर कभी कभी नहीं होते जहां पर हम सोचते हैं आपको होना चाहिए। तो उसके पीछे का जो डिफरेंस है वो मुझे यही समझ में आता है कि एक्सपीरियंस का ही अंतर है, बाकी हम में और आप में कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि कोई भी चीज़ जब आप
मैंने कभी सालों पहले पढ़ी थी और अब आप बहुत समय से पेशेंट देख रहे हैं, तो उन्हीं सेशंस को अगर आप किसी भी टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे तो आपकी जो समझ है वो डिफरेंट होती जाएगी। तो ये नाम बदला हुआ है पेशेंट का, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एमडी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में काम करते हैं। और जो हमारे क्लेम सेटल होते हैं मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, हमारे जो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं उसके बाद ये कंपनी क्लेम्स देती है या अप्रूव करती है कि इनका पॉलिसी है तो इनको पेमेंट दे सकते हैं। तो ये डायरेक्ट पेमेंट तो नहीं देते पर उस तरीके के सॉफ्टवेयर बनाने में मदद करते हैं जिसमें ये प्रोसेस होते हैं क्लेम्स। तो ये डायबिटीज के ट्रीटमेंट, डायबिटीज के पेशेंट्स और लोग वहाँ पे डॉक्टर्स के आसपास ही रहते हैं। इत्तेफाक से इन्हें हमारे बारे में पता चला कि इनको डायबिटीज है और वो ठीक नहीं हो रही, एलोपैथिक दवाइयाँ खा रहे हैं, तो उन्होंने हमें अप्रोच किया। तो हम आगे बढ़े उससे पहले उनका कल का जो फॉलोअप है वो रिकॉर्ड सुन लेते हैं, तो आपको ये समझ में आएगा एग्जैक्टली उनके साथ हुआ क्या और किस तरीके से उनकी डिजीज अब प्रोसेस में है, उनकी कंप्लेंट्स किस तरीके से कम हो रही हैं या उनकी हेल्थ का स्टेटस कैसे बढ़ रहा है, ये चीज समझ में आएगा। देन हम आगे प्रोसेस में जाएंगे। आप बताइए, जब आपने ट्रीटमेंट शुरू किया फरवरी में किया था, तो क्या क्या तकलीफें लेके आए थे आप हमारे पास? मेरा वेस्ट में दर्द था, नी में दर्द था, थकावट महसूस होती थी, फ्रेशनेस नहीं होता था, तो यूरिन सिक्रीशन ज्यादा होता था, ये सब तकलीफें डायबिटीज कब से थी आपको? थी। डायबिटीज पिछले दो दो साल से है, ब्लड प्रेशर? ब्लड 3 साल से है, इनका टैबलेट आप ले रहे थे? अभी ले रहा लगभग 2 ढाई महीने हो गए ट्रीटमेंट को आपने, था। क्या क्या चेंजेस आप महसूस करते हो? अभी थोड़ा फ्रेशनेस दिन भर महसूस होता है, यूरिन सिक्रेशन कम हो गया है, नी का दर्द कम हो गया है, वेस्ट का दर्द कम हो गया है, डायबिटीज के लगभग लगभग सारे ये सिम्टम्स कम हो गए हैं, और गोली भी अपना मतलब 25% पे डोज कम हो गया है, और फिर भी पिछला 2 रिपोर्ट अपना एकदम नॉर्मल आया, पहला 170 180 आता था खाने का बाद का, अभी वो 140 के बीच नीचे आ गया, 136 तक आ गया। जो टैबलेट है अभी कितनी कम हो गई टोटल? 25% कम हो गया अपनी, मतलब पूरी, हाँ एक गोली के 4 हिस्से करके 3 हिस्से लेता हूँ। ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर की गोली आधी हो गई, 50% हो गई वो कम। ओवरऑल आपको अच्छा लग रहा है? आपको हाँ रिनल स्टोन भी है, उसका रिपोर्ट अभी निकालो नहीं है? हाँ स्टोन भी है, उसका रिपोर्ट निकालना नहीं अभी, ठीक है। लेकिन हाँ उसका तो कभी तकलीफ ही नहीं हुआ बाद में। ठीक है, वो मुझे व्हाट्सएप पे आपकी रिपोर्ट भेज दीजिए। चलिए चलिए, बात वाली ओके सर। आप बताइए, जब आपने ट्रीटमेंट शुरू किया पर तो ये पेशेंट्स का फॉलोअप है, हम ज्यादा इधर उधर की बात ना करके सीधे कंप्लेंट्स पे जाते हैं। जब पेशेंट फर्स्ट टाइम आया था हमारे पास तो उसको डायबिटीज की कम शिकायत 2 साल से थी। हमने पूछा कि कैसे आपको पता चला कि आपको डायबिटीज है, तो उसने बोला कि मुझे वीकनेस फील होता था, ज्यादा नींद आती थी, ऐसा लग रहा था कि मेरा वेट कम हो रहा है। एंड आफ्टर दैट वो चेकिंग करने गया तो रैंडम उसको 500 निकला, तो अपने आप को डायबिटिक डायग्नोस हुआ। अभी की स्टेट ये थी कि उसको थकावट थी, जो आपने अभी सुना फ्रेशनेस नहीं थी, और फ्रिक्वेंट यूरिनेशन था, ये उसके सिम्टम। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में उसको फास्टिंग 168 पीपी 212, ये विद टैबलेट
उसको मौज होती है। एलोपैथिक आरएक्स उसकी चालू थी दोनों चीजों के लिए, लगातार 3 साल से हाइपरटेंशन के लिए एंड 2 साल से डायबिटीज के लिए। यू कैन अंडरस्टैंड के असोल्टिंग 74 के सत्यावन तक हो सकती है लगातार अगर कोई दवाई खा रहा है किसी चीज के लिए। हाइपरटेंशन 3 इयर्स है, उसको कैसे पता चला हाइपरटेंशन कि वो इरिटेबल था उसका मूड हमेशा, और मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता था उसके, कुछ भी दुर्घटना घट गई, 19-20 हो गया तो वो उसको ऐसा लगता था कि कुछ तो गड़बड़ है। तो उसके मित्र ने किसी ने सजेस्ट किया एक बार बीपी चेक करके लो, तो उसका बीपी उसको याद नहीं एग्जैक्टली 150 प्लस के आसपास उसको बीपी ऊपर का रहा होगा और नीचे का 100 ऐसा उसने बताया। अभी वो टैबलेट ले रहा है तो इस तरीके का कोई इरिटेबिलिटी या जो रस ऑफ ब्लड है वो होता नहीं है उसको, जिस वजह से वो सच अपने आप को समझ रहा है कि उसकी कंप्लेन ठीक हो गई है। उस समय जब बीपी नापा था तब नॉर्मल था क्योंकि विद टैबलेट था, तो उसने अभी बीपी को हमने हर बार नापा तो लगभग नॉर्मल आ रहा है, यानी वो लगातार दवाई खा रहा है। रेनल स्टोन के लिए जब पेन हुआ तो उसने सोनोग्राफी कराई, उस समय पेन किलर्स लिए, ये उसका वो था। सोनोग्राफी में 6.1 mm कैलकुलस नोटेड एट लोअर पोल एंड 5 mm एट अपर पोल ऑफ द राइट किडनी, ये अप्रैल 21 की बात है, ठीक है। तो ये थोड़ा जब इसने फरवरी में दिखाया था लगभग 7 महीने पहले की बात है, ऐसा होगा यार वो पेन चला गया, मैंने भी फिर आगे ध्यान नहीं दिया, यानी ये रिपोर्ट हमारे पास आके गया। वो निकले स्टोन्स या नहीं निकले क्या है आई डोंट नो, अब पेशेंट भी नहीं जानता क्योंकि तो उसको कोई यूरिनेशन में ऐसा कुछ नहीं फील हुआ कि कुछ निकला हो। राइट ईयर पेन की उसको कंप्लेन रही है, थ्रोट रफनेस ऑन एंड ऑफ होता रहता है, और जब वो मुझे अप्रोच किया था तब तो ये कंप्लेन नहीं थी। जब ये होता है तब डॉक्टर बोलते हैं कि इसी की वजह से जो गले में रफनेस होती है, फिर राइट ईयर पेन स्टार्ट होता है, तो बोलते हैं कि ये गले की वजह से है, गले को ठीक करने के लिए वो एंटीबायोटिक्स ले लेता है जब वो इशू आता है, तो फिलहाल वो इशू नहीं था। पाइल्स उसकी हिस्ट्री है और उसका उसने इलाज किया है आयुर्वेदिक वगैरह जो भी कर सकता था, और परहेज जिसको बोलते हैं वो भी करता रहा, बट इस समय कोई इशू नहीं है उसको पेट को लेकर के, क्योंकि वो बहुत ही थोड़ा डायबिटीज होने की वजह से थोड़ा डाइट को लेकर भी थोड़ा कॉन्शियस ही है। बोथ नीज एंड लंबर पेन, ये कोई बहुत सीवियर कंप्लेन नहीं है उसकी, बट ये एक कंडीशन है, उस कंडीशन में उसे फील होता है, ये लगातार कंप्लेन नहीं है। जब वो स्टेयर केस उतरता है, अदरवाइज चढ़ते वक्त चलते वक्त उसे ये फील नहीं होता। जो उसकी एक कंप्लेन है स्मैग्मा कमिंग फ्रॉम मंथ्स, महीनों से ये उसको ऑन एंड ऑफ ये कंप्लेन, कभी कभी इरप्शंस भी वहां पे दिखाई देते हैं। तो आप जानते हैं स्मैग्मा क्या होता है, अगर हम यहाँ पे मीनिंग देखना चाहें स्मैग्मा का देख सकते हैं। Smegma is sebaceous secretion in the pores of the skin, especially under a man's foreskin. तो एनिमेंट सर ने जो भी वर्ड्स यूज किए हैं, ठीक है, पेशेंट ने वो बोला था अपने भाषा में, उसने स्मैग्मा तो नहीं बोला बट मुझे मालूम था इसलिए मैंने वैसे ही लिख लिया एनिमेंट टर्म्स में, ठीक है। तो उसको व्हाइट सिक्रेशन होता रहता है, साफ करता रहता है, और ये उसको समझ में नहीं आ रहा, उसे लग रहा है कि हाई डायबिटिक होने की वजह से ये हो सकता है या कोई गोलियों के इम्पैक्ट हैं क्या, ये कंफ्यूज्ड। तो उसने ये बात भी रखी अपने सामने। मेडिकेशन जैसा उसने अभी फॉलोअप में बताया कि डायबिटीज की और बीपी की वो ले रहा है 2 टाइम, ठीक है। अब वो 2019 होगा, वो 2017 गलत लिख गया,
तो जब उसने डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जब हमारे पास आया था, ब्लड प्रेशर नॉर्मल था और डायबिटीज की रिपोर्ट निकाल के लाया था, ये 6 फरवरी की रिपोर्ट है, 7 फरवरी को मुझसे मिलने आया। तो ये बहुत ज्यादा नहीं है, बट सिम्टोमेटोलॉजी के आधार पे, क्योंकि ये विद डायबिटिक मेडिसिन है ये रिपोर्ट, सिम्टोमेटोलॉजी के आधार पे मैं उसको डायबिटिक घोषित करता हूँ, नॉट मेयर रिपोर्ट। जब मैं इस केस की सिंथेसिस करता हूँ तो मुझे एक स्पेसिफिक सिम्टम दिखाई देता है, जो मुझे लगता है कि ये सिम्टम बहुत स्पेसिफिक है और यूनिक है और इसे ठीक होना चाहिए। नी पेन, लंबर पेन मैं सेकंड पे रखता हूँ, बट ये कंडीशनल है, अगर चाहे तो हम नीचे भी रख सकते हैं। एंड डायबिटीज के जो मेन इशू है जिसके लिए उसने हमें अप्रोच किया, क्योंकि ब्लड प्रेशर का तो अभी कुछ इशू दिख नहीं रहा है, क्योंकि टैबलेट ले रहा है, ये टैबलेट लेने के बाद भी कंटिन्यू है कंप्लेन उसकी, तो मुझे लगा कि क्या करना चाहिए मुझे नहीं पता। मैं आपसे पूछ इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे ये आपको डिलीवर करना है एज इट इज, जैसे मैंने किया है, वो आप क्या सोचते हैं वो आप देख लीजिए। तो अब इस केस में म्याजम देखना था, तो कि डायबिटीज मिलाइटस फ्रॉम 2 इयर्स, ये जो कंप्लेन थी उसका कोई म्याजम हो सकता है, तो ये 217 एंड 227 ये दो सिम्टम है, यानी मैंने सबने लिस्टेड किए हैं, ये मैच करते हैं, ये लगभग सिमिलर है। तो ये 217 में एनिमन सर लिखते हैं कि एट टाइम टू मच यूरिन इज डिस्चार्ज सक्सेडेड बाई ग्रेट वियरिनेस। तो ये सोरिक सिम्टम है, एनिमन सर ने पहले ही लिखा है, और एनिमन सर पहले से ये डायबिटीज की जो इश्यूज थी वो जानते थे, एंड आगे वो उसका फुटनोट में लिखते हैं कि डायबिटीज विच विद एलोपैथिक रेमेडीज इज यूजुअली सो फैटल। मतलब अगर हम डायबिटीज के केस में एलोपैथिक दवाइयां देते हैं तो काफी फैटल होती है, यानी क्या करते आप यू नो कि अगर लगातार डायबिटीज की दवाई चलती रहे और चलती रहे तो क्या होता है, वो इंसुलिन पे चला जाता पेशेंट, फिर इंसुलिन से मैनेज नहीं होता, फिर वो फ्लियर ऑफ ऑर्गन की तरफ चला जाता है, किडनी या अदर ऑर्गन की तरफ। मतलब जो एनिमेंसर का ऑब्जर्वेशन था वो आज आप रियल में ऐसे ही देख सकते हो, हैज probably never any other origin than this malady। बोलते कि और कोई डायबिटीज जो फैटल होती है तो ये डायबिटीज की वजह से ये फैटल नहीं होती, इसकी रॉन्ग ट्रीटमेंट जो हम करते हैं। तो बोलते हैं कि इस मैलेडी की ऑरिजिन तो भले कैसे भी होती हो, परंतु इसकी जो फैटेलिटी है वो सिर्फ इसी वजह से होती है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट की वजह से। एक सेकेंड सिम्टम है व्हाइटिश यूरिन, व्हाइटिश तो नहीं है, विद ए स्वीटिश स्मेल एंड टेस्ट, पासिस ऑफ इन एक्सरसाइज एबंडेंस, ठीक है, विद फ्रस्ट्रेशन इनिशिएशन एंड एक्सटिंग्विशेबल थर्स्ट डायबिटीज। तो आपने ये भी देखा पेशेंट में, पूरा तो नहीं परंतु ऑलमोस्ट 90% उस केस में हो चुका है उसके साथ ये घटना, ठीक है। तो ये हिस्ट्री में भी है एंड प्रेजेंट कंडीशन में भी मौजूद है, तो हमें ये पता चलता है कि ये डायबिटिक है सिम्टम, डायबिटिक सिम्टम इंटरनल हो रहा है। अब हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन जो है 16, 348, 349, 350, अब और भी हो सकते हैं, मैंने थोड़े से ढूंढे आपको, परंतु मैं यहाँ पे सारे दिखा सकता हूँ, रस ब्लड। तो ये इसमें जो 16 नंबर का सिम्टम सिमिलर है लगभग, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, 348, 349, ये अलग अलग कंडीशंस हैं। अगर हेड में कंप्लेन जा रही है, हेड में कुछ एंजाइटी या सिर दर्द हो रहा है तो हम इसको रस ऑफ ब्लड हेड पकड़ेंगे, अगर ये चेस्ट में एंजाइटी पाल्पिटेशन या कुछ और कंप्लेन स्टिचिंग पेन वगैरह डेवलप कर रहा है तो हम रस ऑफ चेस्ट पकड़ेंगे, एंड अगर कोई पल्स बहुत ज्यादा बाउंडिंग है या किसी स्पेशल जगह जैसे कैरोटिड होती है आप जानते हो, या कहीं पे पल्स बाउंड होती है, तो हम उस कंडीशन में हम
वहां पे पकड़ सकते हैं आर्टरीज में। बट एक और वर्ड है जो है ब्लड प्रेशर के लिए, आप लोग को ब्लड प्रेशर ढूंढने के लिए प्रॉब्लम होती है, इवोल्यूशंस, ठीक है। तो ब्लडी डिस्चार्ज इन द एनस और इन द रेक्टम, इवोल्यूशन ऑफ ब्लड थ्रू द बॉडी एंड शॉर्ट ब्रीदिंग, तो ये तो एक कंडीशन है, पर ये म्याजमेटिक नहीं है, रस ऑफ ब्लड है। तो इवोल्यूशन जो ब्लड है, कहीं पर एक जगह जमा हो जाना, रसिंग हो जाना, इवोल्यूशन का जैसे सिमिलर है। आप चाहो तो इसको क्लियरली और देख सकते हो कि इवोल्यूशन का मतलब हजमिंदर ने क्या लिखा है। तो ए बॉइलिंग और बबलिंग अप ऑफ द लिक्विड, द मोशन प्रोड्यूस्ड इन ए लिक्विड बाई इट्स रैपिड कन्वर्जन इंटू वेपर, ठीक है। कहीं पर जमा पड़ा होना, रस होना ही है। तो जैसे पानी जब खोलने लगता है तो कैसे होता है, इवोपरेट होने लगता है। जस्ट लाइक कंडीशन है कि वहां पर वो कहीं पर इकट्ठा होकर के रस रसिंग हो रहा है। तो इवोल्यूशन लगभग वैसा है, तो ये इस कंडीशन में। तो इवोल्यूशन को नहीं माना है, पर इवोल्यूशन लगभग रसिंग की तरह है। तो हम रस ऑफ ब्लड पे ध्यान रखेंगे, और इवोल्यूशन इन चेस्ट, इवोल्यूशन ऑफ हेड, ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे एमएमपी और टीसीडी में। तो अब हमारे पास स्मैग्मा का कुछ नहीं, बोथ नी एंड लंबर पेन, ऐसा कुछ म्याजमेटिक कंडीशंस नहीं है। अगर आप चाहो तो ढूंढ भी सकते हो कि नीज पेन तो मिल जाएगा आपको, परंतु जो कंडीशन दी नी की, जॉइंट्स की, टियरिंग लाइक स्क्रैपिंग बोन, स्वेलिंग, ऐसे कुछ मिल जाएगा। पर हम स्टेयर केस डालते हैं, और तो हम जॉइंट्स के पेन, स्टिप, पेनफुल, डिफिकल्ट मोशंस, लिगामेंट सीम्स टू शॉर्ट, ऐसा कुछ नहीं है उसको। मतलब ये कंडीशंस हैं, ये आपकी टेंडेंसी भी मिल जाएंगी कुछ पेशेंट्स के अंदर, कि थोड़ा चल रहे थे, खड्डे में पैर आ गया और मोच आ गई। तो बट कोई क्लियर कट इंडिकेशंस नहीं मिलता कि नी जॉइंट्स का, ऐसे ही लंबर का भी नहीं मिलता। कि लंबर की कंडीशन में अगर हम स्मॉल बैक डालते हैं तो बहुत सारे मिल सकते हैं स्मॉल बैक, ठीक है। बट स्मॉल बैक जो पेन है वो डिसेंडिंग नहीं मिलता, ठीक है। अलग अलग कंडीशंस में कुछ मिलता है, बट वो ज्यादा सिमिलर नहीं है, और बहुत ज्यादा वो पेशेंट में एक्यूटली मौजूद नहीं है। उसके साथ वो कंप्लेन तो है, पर बहुत ज्यादा कंडीशनल है वो। स्मैग्मा जैसा या सिक्रेशन फॉर स्किन हम ढूंढते हैं तो भी कुछ मिलता नहीं है, ठीक है। फॉर स्किन, ठीक है, ऐसा कुछ मिलता नहीं है। ये सब ज्यादा ये जो है आपके साइकोसिस में है, फॉर स्किन के बारे में लिखा, या रिव्यूज, ठीक है। तो ये सब देखिए, आप जब साइकोसिस से अफेक्टेड है पेशेंट, तब जाकर ये ऑर्गन, तो हमें यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिलता। तो हमें यहाँ पे कोई म्याजम नहीं है, बट मैं ये मानता हूं कि डायबिटीज की वजह से मे भी वहां पे सिक्रेशन हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि बॉडी एक्सक्रीट नहीं कर पाती प्रॉपरली, उसका ऑर्गन धीरे धीरे वीक होता जाता है, एंड गंदगी जो उसे निकाल देनी चाहिए वो निकाल नहीं पाती। तो ऑर्गन लगातार बीमार रहता है, कोई भी ऑर्गन, तो वो वीक होने लगता है और वो अपना कचरा जमा करने लगता है अपने आसपास, बीमारी जमा करने लगता है। तो ये कंडीशन है इसमें। प्राइमरी टर्म अगर हम जाएं तो हमने जो सर्च किया तो हमारे लिए वो जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था कि वहां पे पेशेंट्स को जो डेवलप हो रहा था वो था फटीग, क्योंकि लगातार यूरिनेशंस की वजह से उसको फटीग क्रिएट हो रहा था, एग्जॉशन क्रिएट हो रहा था, टायर्डनेस क्रिएट हो रहा था। तो जहां पे भी था, जिस तरीके की
सिमिलर जो भी बर्ड्स हो सकते हैं वो सेलेक्ट किए जा सकते हैं। तो हमारा टारगेट हुआ था टायर्ड टायर्डनेस वियरी वियर वियरीनेस वियरिंग वियरिसम वियरिंग वियरिंग, ये इसकी इतने सारे टर्म्स मिलते हैं 14 से 46। अगर हम इसे एक स्पेसिफिक कंडीशन, क्योंकि ये उसकी यूरिनेशन के साथ है, क्योंकि जब वो डायबिटीज में एनिमल सर ने वैसे ही लिखा है कि ये एग्जॉशन कंडीशनल है, ठीक है। अगर आप चाहो तो जनरलाइज पूरी की पूरी चीजें पकड़ सकते हो, बट अगर हम इसे यूरिनेशन में पकड़ते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आता है, तो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। बट अगर हम ओवरऑल जनरलाइज है, क्योंकि अब ये एलोपैथिक मेडिसिन की वजह से भी हो रहा होगा, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि 3 साल से असॉल्टिंग चल रही है, तो अब ये कोई सिम्टम डायबिटीज की वजह से नहीं रह गया, तो ये डिफाइन करना बहुत मुश्किल है कि ये सिर्फ डायबिटीज की वजह से हो रहा है। तो हम चाहें तो ये सारे सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कोई कंडीशन नहीं कि वो उससे कनेक्टेड है। अगर हम डायबिटीज की मेडिसिन बंद कर दें तो ये और बाउंडेड और बहुत इंटेंसिफाइड हो जाएगा, यानी वो और तेजी से दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो ये और दूसरा क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी हम ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे वो मिलता नहीं है। कुल मिला के ये कहने का है कि हमारे पास अभी एक ही ऑप्शन बनता है कि हम एग्जॉस्ट क्रिएट करने वाली, फटी क्रिएट करने वाली जो मेडिसिन है उनकी एक लिस्ट हो। बट हमने सोचा कि हम इसमें जाएं, इससे पहले एक पर्टिकुलर इशू है उसको देख लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा है, हम बाद में डिजिटलाइजेशन के लिए इसे डालेंगे। तो हमारे लिए जो कवरिंग थी वो थी स्मैग्मा। हम देखना चाह रहे थे कि स्मैग्मा कौन सी मेडिसिन क्रिएट करती है। तो ये 3 रेमेडी थी हमारे पास, इन 3 में से कोई एक मेडिसिन है ना हमें हमारे उस पेशेंट की इस कंप्लेन को कवर कर सकती थी जो अभी प्रेजेंट में मौजूद थी। इस तरीके से हमारे पास ये 3 रेमेडी थी। तो अगर हम उस इश्यूज को, ये हमारे दिमाग में बहुत क्लियर हो गया कि हमें ध्यान रखना है कि ये 3 रेमेडी क्या कवर करती हो इस इश्यूज को। एक तरीके से ये अनकॉमन रेयर पिकुलियर आप मान सकते हो, बट ये उसकी कंप्लेन ही मानता हूं मैं। इंडिविजुअलाइजेशन के लिए काफी इजी है ये। तो हम फिर से वही जाएंगे फटीग में और उससे रिलेटेड सारे वर्ड है ना, हम सर्च करेंगे और हम डालेंगे कि हमारी ये मेडिसिन बहुत अच्छे से जो दूसरी रेमेडी है एग्जॉशन के साथ कौन कवर करती है, क्या इन 3 रेमेडीज में कौन सी रेमेडी जो है जिन्हें हमें लेना चाहिए। तो जब भी कंडीशन ऐसी हो 74 की वजह से, कंप्लेंट्स की वजह से कोई क्लियर कट इंडिकेशन ना हो, तो हम जैसे बॉर्निंग असन का जो अप्रोच था एंट्री गेट के लिए, वो अप्रोच हम लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत पर्टिकुलराइज नहीं है उसकी कंप्लेन, बट कंप्लेन है। एंड दूसरा है कि हम अगर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन को भी हम सर्च कर सकते हैं, बट अभी रिजल्ट इस तरीके के हैं कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के साथ एग्जॉशन जो है एक समस्या है। तो ये आपके का आउटपुट है। इस आउटपुट में हमें ये देखना है
कि हमारी वो रेमेडीज जो स्मैग्मा भी क्रिएट कर रही है, अब हम वो भी डाल देते हैं। सारी चीजें आप कवर कर सकते हैं, ये आपका तरीका है, मेरा अपना तरीका है जो मैं आपको सिखाता हूं कि मैं कैसे काम करता हूं। तो अगर हम यहां पर देखें तो इस मैग्मा वाली वो तीन रेमेडीज देख सकते हैं कि कौन सी है। ये इस मैग्मा की रेमेडी है एलोमिना, दूसरी है नक्सवामिका और तीसरी है कॉस्टिकम। तो मैंने क्या किया होगा, सिंपल था, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तीनों रेमेडीज को ठीक से पढ़ने की कोशिश की। तो ये सब हर तरीके के एग्जर्शंस इसमें भी मौजूद हैं, एलुमिना में भी मौजूद हैं, ठीक है। और तीसरा कॉस्टिकम इसमें भी मौजूद है। मुझे डिसीजन लेना था कि मुझे इसके साथ कैसे जाना है। तो मुझे, आपको पता है कि उसको कंप्लेन है क्योंकि ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहा है, इसलिए वो इरिटेबल नहीं है। दूसरा हमारे लिए एक लॉजिक था इसमें कि जो एलोपैथी का सॉल्टिंग है उसे भी वो कम करेगा। तो इस तरीके से दो को हमने बाहर किया, एलोमिना को और कॉस्टिकम को, ठीक है। एंड स्पीड देखा जाए उसकी डिजीज की, ठीक है, तो अभी जो प्रेजेंस है सिम्टम्स की वो थोड़ी अच्छी स्पीड है उसकी। तो कंपेरेटिवली एलोमिना काफी स्लो रेमेडी है एंड कॉस्टिकम एक अलग लेवल की रेमेडी है, वहां पे भी स्पीड बहुत ज्यादा नहीं है और नक्सपॉम का कंपेरेटिवली हाई स्पीड है इनसे। तो मुझे इस पेशेंट्स में जो इशूज हैं वो मुझे लगा के अच्छे तरीके से ये कवर कर सकती है। अगर और इंडिविजुअलाइजेशन करना है तो आप बैक और नी और इरिटेबिलिटी डाल के देख सकते हैं, तो आपकी नक्सवामिका बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड हो जाएगी और एंड यू कैन चूज द नक्सवामिका। मैं आपको आगे नहीं लेके जाऊंगा, आप सर्च कर सकते हो। तो कहने का यह मतलब है मैंने नक्सवामिका दी और साथ में सल्फर दी, ये पहला प्रिस्क्रिप्शन मेरा था, मैं आपको 50 पे ले चलता हूं। तो हम अपनी भाषा में किट पे जो नंबर है मेडिसिन के उन्हीं नंबर को लिख देते हैं पेशेंट के लिए। तो पेशेंट को कौन सी मेडिसिन दी है, बहुत सारे पढ़े लिखे होम्योपैथी कोई भी जानता है थोड़ी बहुत, तो हम इसलिए ये रखते हैं। तो 66A नंबर का लिक्विड स्टार्ट किया और 88 उसको साथ में दिया। यू नो व्हाई आई प्रिस्क्राइब एक्स्ट्रा मेडिसिन ऑफ 88 यानी सल्फर, अगर आप नहीं जानते हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आप पढ़ भी सकते हो क्योंकि वो सर्च से आकर के आप सल्फर और नक्सवन के दोनों पढ़ सकते हो। ये कंडीशन में पेशेंट्स का जो ये कंडीशन है 20 फरवरी का, जिसने मेडिसिन लिया, मेडिसिन लेने के बाद 20 फरवरी को रिपोर्ट किया उसने, तो रिपोर्ट ये इस तरीके से थी। 14 फरवरी को वो आया था सिर्फ एक वीक का मेडिसिन लेने, बट उसने रिपोर्ट नहीं किया था, कंप्लेंट्स में उसे बेटर लग रहा था, मैंने उसे वही मेडिसिन कंटिन्यू करने को बोला। 22 फरवरी को उसने एक कंप्लेन बताई कि सर मेरे को टेनिस एल्बो, क्योंकि वो मेडिकल से जुड़ा हुआ बंदा है तो वो उस तरीके के वर्ड यूज करता है, तो उसको रिस्ट में पेन था, माइल्डर पेन था, पर अदर कंप्लेन्स में उसे कंटिन्यू था, ठीक है। तो मैंने टेनिस एल्बो, ठीक है, टेनिस एल्बो के आधार पे, मतलब रिस्ट पेन के आधार पे मैंने 88 प्रिस्क्राइब कर दिया। उन्होंने बोला कि पहला वाला स्टॉप कर दीजिए, ये वाला लीजिए, क्योंकि ये कवर कर रहा था, आप ढूंढ सकते हो। ये पेन कंटिन्यू था 11 मार्च तक, उसमें कोई फर्क नहीं था और अदर कंप्लेंट्स में उसको बेटर था। रिपोर्ट आई
114 172 लगभग उसी उस उतनी ही रेंज में ये 6 मार्च की घटना है। इसके बाद 23 मार्च को उसने उसी कंप्लेन को, टेनिस एल्बो में कोई फर्क नहीं है, कंटिन्यू है कंप्लेन, पर अदर कंप्लेन में बेटर है, तो मैंने सोचा कि मैं एक स्ट्रोक बढ़ा लेता हूं और प्रयोग के तौर पे मैंने ज्यादा स्ट्रोक पे फोकस ना करके पावर बढ़ाने पे फोकस किया, सीधा 0/2 पे चला गया। इस टाइम तो इसने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया था। एंड 9 अप्रैल को हमने फिर उससे मिले, तो माइल्डर पेन जो टेनिस एल्बो का था वो एज इट इज था एंड रिकर्ड स्मैग्मा अगेन। तो स्मैग्मा की जो कंप्लेन थी वापस आ गई इन सेम इंटेंसिटी, बट इन अदर कंप्लेन जो था उसका इशू नहीं था, टाइटनेस वगैरह जो इशू थे वो नहीं है, और स्मैग्मा फिर से आ गया। अब मेरे लिए इशू था कि मैं ऑलरेडी एनवी यूज कर चुका था, एलुमिना और कॉस्टिकम बचा हुआ था, 27A मतलब कॉस्टिकम 27A नंबर की जो मेडिसिन है ए किट में वो कॉस्टिकम है, तो मैंने उसको देखा तो मैंने कहा चलो एक बार चेक कर लेते हैं फिर से कि इतना जनरलाइज जाने से थोड़ा पर्टिकुलराइज हो जाते हैं। तो मैं आपको इस सॉफ्टवेयर की खूबसूरती है उस खूबसूरती को भी दिखा देता हूँ। अभी जो नए वर्जन जिन्होंने डाउनलोड किया है उनके लिए ये, तो अभी हम 707 क्योंकि ये बाद में आया ये फीचर, तो हम 707 अभी हम 707 डालेंगे तो हमारे पेशेंट की इंफॉर्मेशन आपको नहीं पता चलेगी, बट उसके साथ क्या प्रोसेस किया ये पता चलेगा, ठीक है। तो हमने जो ढूंढा था, सर्च किया था, एल्बो जॉइंट्स ढूंढा था और ये समृद्धि, ठीक है। नोट्स आप नहीं देख पा सकते, अगर हमने नोट्स भी अगर सेव किए होते तो सेव स्नैपशॉट में तो वो भी दिखाई देते। तो हमने अगर यही कॉपी अगर आपको दे दी जाए 707 मैंने क्या किया है, तो वो आप अपने सॉफ्टवेयर में जहां पे जगह है वहां पे अगर कॉपी पेस्ट कर देंगे और फिर डिजी स्नैपशॉट लोड करेंगे तो ये दिखाई देगा। तो जब मैंने ये सारी मेडिसिन पढ़ी तो मेरे पास तो कि मेरे पास एक ही चारा था कि हमें ऐसी मेडिसिन चाहिए जो स्मैग्मा कवर करती है और टेनिस एल्बो भी कवर करती है, क्योंकि आर बाकी अदर कंप्लेंट सब उसकी ओके हैं। अब मेरे पास बचा हुआ जो छोटा सा पार्ट है जो बहुत इंटेंसिफाइड भी नहीं है बट मुझे वो कवर करना है, तो मैंने देखा कि ये ऑलरेडी मेडिसिन में नहीं, तो यहाँ पे देखेंगे हम नक्सोम का है क्या, तो नक्सोम का हम देख चुके हैं बट यहाँ पे नक्सोम का आपको कहीं दिख रही है, दिख रही है, तो यहाँ तो सिर्फ स्मैग्मा में है बट उसकी टेनिस एल्बो यानी रिस्ट में नहीं है। अब मेरे पास था कि एलुमिना है क्या, एलुमिना है स्मैग्मा में है पर टेनिस एल्बो में नहीं है, ठीक है। तो मैंने उन दोनों कॉम्बिनेशन को जब इधर से ये ऑलरेडी सब बाहर हो गए तो मेरे पास जो कॉम्बिनेशन बचे थे वो थे कॉस्टिकम वाला एक कॉम्बिनेशन बचा था जो मैच करता था। तो जब हमने कॉस्टिकम पढ़ा तो ये दोनों को कवर कर रहा था, स्मैग्मा को और जो उसकी कंप्लेन है उसको भी, रिस्ट जॉइंट को। तो मैंने इसके साथ जाना प्रीफर किया एंड देन मैं आपको बहुत ज्यादा लेंदी वे में जाने में, जब कोई चीज बहुत यूनिक होती है तो हम यूनिक वे में अपना एक फिल्टर लगा के पहले ही निकाल लेते हैं तो हमारे लिए अदर सिम्टम डाल करके इजी हो जाता है, पर बहुत बार हमें वैसा फीचर नहीं मिलते पेशेंट में तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो रिपोर्ट है उसकी 20 मार्च की है जो थोड़ी सी शुगर लेवल भी बढ़ी हुई है परंतु उसकी कंप्लेंट्स ऑफ जो डायबिटीज है वो नहीं बढ़ी है। ये रिपोर्ट उसने स्विच फास्टिंग की ये 9 अप्रैल की है और अभी एक रिपोर्ट उसने भेजी 116 139
ये जो है उसकी 24 अप्रैल की है और आपको 29 अप्रैल को हमने फॉलो अप सुनाया। तो कुल मिला के कहने का यह है कि ये एक सिंपल प्रोसेस है। आप सोचोगे कि अगर हम इसको कैंट वे में, बिथुलकस वे में या अदर वे में हम जा सकते थे, हम माइंड सिम्टम ढूंढते, उसके इशूज क्या हुए लाइफ में वो सब ढूंढ करके एक मेंटल पिक्चर बना करके जा सकते थे, पर हमने नहीं फोकस किया। हमारे लिए इतनी पर्टिकुलर कंप्लेंट्स मौजूद थी जिसके आधार पे मेरे को क्लियरली अपने पेशेंट्स में एंट्री गेट मिल गए थे और पेशेंट रिकवर भी हुआ। एंड पेशेंट क्या बोल रहा है कि मेरी डायबिटीज के सिम्टम चले गए, यानी मेरी रिपोर्ट भी इम्प्रूव हुई। यही हमें करना है कि अगर डायबिटीज के सिम्टम या डायबिटीज रिलेटेड या सॉल्टिंग्स के सिम्टम अगर हम कम कर पाते हैं थ्रू आवर एंटीसोरिक मेडिसिन, सोचिए ना कि कॉस्टिकम जैसी मेडिसिन है ना काम आ रही है, उस डायबिटीज को कहीं पे भी इंक्रीज नहीं होने दे रही है, जबकि आप कॉस्टिकम जैसी मेडिसिन को डायबिटीज लेवल पे बहुत कम यूज होते हुए देखोगे। यानी जो 171 है, जो 171 यू नो 171 एल्गोरिथम आप जानते हो क्या है, एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं कि 171 क्या है। ये सब लिबर्टी जो एनिमल सर ने हमें दी, उसी लिबर्टी की वजह से हम अपने पेशेंट को डील कर पाते हैं। अदरवाइज एक पेशेंट की एक ही मेडिसिन ढूंढना जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सिंड्रोम में बड़ा डिफिकल्ट था, और किसी भी पेशेंट को ठीक करना वो भी 30 × 201 इम्पोटेंसी से वेरी डिफिकल्ट है। पता नहीं उनके तीर तुक्के कैसे लगते हैं जो हमारे स्टालवर्ट्स पुराने इस तरीके से जो काम करते हैं। इन नॉन वेनेरियल क्रोनिक डिजीज गोज मोस्ट कॉमनली देयर फॉर अराइज फ्रॉम सोरा दे ऑफन रिक्वायर इन ऑर्डर टू सेट ए क्योर to give several antisoric remedy in succession, every successive one being homeopathically chosen in consonance. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी दे रहे हैं, परंतु आपकी choosing जो है वो उसी आधार पर होनी चाहिए कि वो match करनी चाहिए with the group of symptoms remaining after completion of the action of the previous remedy. कह रहे हैं कि previous remedy ने जो कुछ भी complete कर दिया उसको बाजू रखो, बचे हुए में जो कुछ भी रह गया उसके लिए एक नवीन antisoric select करो और आगे बढ़ जाओ। This is the way to go ahead easily. बट शर्त यह है कि पुराने सिम्टम कट करने पड़ेंगे, अदरवाइज आप उसमें, अभी इसमें डायबिटीज के सिम्टम थे नहीं, उसको सिर्फ रिस्ट का कंप्लेन था और उसका वो था, और हमने वो जो हिस्सा कवर हो गया ये मान करके कि वो कवर हो गया। बहुत बार हमारे साथ एक और गलती होती है कि हम जो चीज कवर हो गया उसको भी देखते रहते हैं कि वो मेडिसिन भी ढूंढते रहते हैं, नहीं नहीं वो भी होना चाहिए कवर। तो हमारे लिए ये लिबर्टी है जो 171 की, जो ठीक हो गया उसको कट करो और जो रह गया उस पर काम करो। तो रिकरेंस जो हुई थी उस पर काम किया और एक नई कंप्लेन उसके साथ थी उस पर काम किया और उसे अच्छा लग रहा है, पेशेंट फीलिंग बेटर इन ऑल रेस्पेक्ट। उम्मीद है कि विद इन 1 or 2 मंथ उसकी सारी एलोपैथिक रेमेडी बंद हो जाएंगी। और ये सर ये केस में, गुड मॉर्निंग सर, कपिल बोल रहा हूँ। ये केस में सोरिक सिम्टम भी थे और नॉन सोरिक सिम्टम भी थे, तो अगर प्रेजेंटिंग स्टेट में सोरिक सिम्टम नहीं दिख रहे तो हमें जो दिख रहा है वो उसी पे प्रिस्क्राइब करना है क्या, या फिर क्रोनिक केस में जैसे कुछ सोरिक सिम्टम पास्ट में था तो वो भी कंसिडर करना है?